हेलो फ्रेंड्स, एबीएस 72 में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के 2 × 6 अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो तीसरी भुजाओं को ज्ञात करें। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और हम सभी जानते हैं ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब क्वेश्चन में क्या चाह है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के 2 × 6 अधिक है। यहाँ लघुत्तम भुजा का मतलब होता है सबसे छोटा, तो यहाँ हम सबसे छोटा या तो लंब को मान सकते हैं या फिर हम आधार को मान सकते हैं, हम कर्ण को कभी नहीं मान सकते क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। तो यहाँ यदि हम आधार को एक्स मान लेते हैं, आधार को एक्स मान लेते हैं, अर्थात यहाँ लिखेंगे लघुत्तम भुजा अर्थात आधार बराबर एक्स। माना कि हम मान लिए कि लघुत्तम भुजा अर्थात जो आधार है वो एक्स है। अब आगे कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये जो हमारा कर्ण है लघुत्तम भुजा के 2 गुना अर्थात ये जो है एक्स, इसका 2 × 6 अधिक है। मतलब इसमें हमें 6 को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात मेरा जो कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 2x + 6। अब आगे कहता है यदि तीसरी भुजा, ये हमारा लंब तीसरी भुजा हो गया, तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, ये कर्ण हो गया 2x + 6, इसे 2 सेंटीमीटर कम है अर्थात 2x + 4 हो जाएगा, अर्थात जो हमें लंब मिला वो 2x + 4 मिला। अब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहां कर्ण हमें मिला 2x + 6 का स्क्वायर बराबर लंब 2x + 4, यही है 2x + 4 का स्क्वायर जो आधार हमें मिल गया x, यहां हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a की जगह 2x है, b की जगह 6, तो 2 × ab बराबर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह 4 लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ अर्थात LHS और RHS दोनों तरफ 2x का होल स्क्वायर है, इधर भी 2x का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हमें मिलेगा 6 का स्क्वायर 36 जोड़ 2 × 4 = 24x बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × 4 = 16x जोड़ एक्स स्क्वायर। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेते हैं। तो इन सभी RHS को हम पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x और प्लस में 16, अच्छा इन सभी को हम आर एच एस ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो माइनस और यह भी प्लस है तो माइनस, बराबर में हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 16x और माइनस में 24 अर्थात माइनस में 8x बचेगा और प्लस में 16 और माइनस में 36 अर्थात माइनस में 20 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमें यह एक द्विघात समीकरण मिल गया, तो इन द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है और इस 1 से हम 20 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, अर्थात इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर, अच्छा पहले 20 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ 20 को हम लिख दे सकते हैं 10 × 20 और हमें -8 लाना है तो हम 2 में से 10 घटा देंगे तो हमें माइनस में 8 मिल जाएगा, इन्हीं का उपयोग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ये 2 तो प्लस में 2x माइनस में 10x और ये माइनस में 20
बराबर में हो जाएगा जीरो। अब इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, हम x को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस दो माइनस दस कॉमन करेंगे तो x प्लस दो बराबर में हो जाएगा जीरो। अब यहां भी x प्लस दो और यहां भी x प्लस दो, तो इसे हम लिखेंगे x प्लस दो और ये x माइनस दस, ये x माइनस दस बराबर में हो जाएगा जीरो। अब ये x प्लस दो बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस में दो हो जाएगा, और जब x माइनस दस बराबर जीरो तो x बराबर दस हो जाएगा। एक धनात्मक संख्या मिला और दूसरा ऋणात्मक। तो यहाँ एक चीज तो ये क्लियर है, क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई वह माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए माइनस में दो संभव नहीं है। तो x का मान आया 10, इसका मतलब है कि ये आधार आधार बराबर x, अर्थात x का मान 10 आया तो आधार 10 मिला। कर्ण कर्ण बराबर 2x जोड़ 6, अर्थात 2 × 10 = 6, तो 10 × 20 और 6 ये 26 हो जाएगा। और लंब लंब ये 2x + 4 है, 2x + 4 तब 2 × 10 = 4 अर्थात 10 × 20 और 4 = 24। ये हमारा आंसर हो गया, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं की हमें लंबाई मिल गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।